लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत तो माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसको लेकर भारत में लगातार बयानबाजी हो रही है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। यूपी सीएम ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान की भी बात करते हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। तालिबानीकरण करना चाहते हैं, ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। आपको बता दें कि काबुल पर तालिबान के कब्जे को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब हमारे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज तालिबान ने भी अफगानिस्तान को आजाद करा लिया है। तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पांव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। इसके बाद यूपी पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद वो अपने बयान पर यूटर्न लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा अफगानिस्तान और तालिबान से कोई संबंध नहीं है, मैं भारत का नागरिक हूं और अपने सरकार की नीतियों का समर्थन करता हूं। इस बीच मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी तालिबान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि तालिबान ने सही किया, अपने जमीन पर किसी भी तरह से कब्जा किया जा सकता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहाँ की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि महिलाओं को सभी अधिकार दिए जाएंगे लेकिन इस्लामिक कानून के तहत। वहां की जनता पहले भी तालिबान के शासन में शरिया कानून के आतंक से गुजर चुकी है, इसलिए वो तालिबान के शासन से डर रही है और देश छोड़ने के लिए बेताब है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें तालिबान के लड़ाके महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूरतापूर्ण पेश आ रहे हैं और बाजारों में लगे महिलाओं के पोस्टर और तस्वीरों को फाड़ रहे हैं, उन्हें पेंट कर दे रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से तालिबान महिलाओं पर जुल्म करने के लिए तैयारी कर रहा है।